यूटीयू का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो यूटी सरकार के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है। देखिए लगातार कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग जारी है। सरकार केवल सुरक्षा की समीक्षा करने में बैठी हुई है, कहीं भी सरकार कश्मीर के अंदर हिंदुओं को सुरक्षा नहीं मुहैया करवा पा रही। चाहे वहां पर मुलाजिम हो, चाहे दिहाड़ीदार लोग हो, कोई भी हो, सभी को टारगेट किलिंग के तहत वह टारगेट किया जा रहा है। परसों भी दो व्यक्ति को जो है वो टारगेट किया गया और दो व्यक्तियों की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। अब हमारी सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से हमारी एक मांग है कि अगर कश्मीर को बचाना है तो जीडी बख्शी को लाना है। अब जीडी बख्शी की मांग हम जो है यहाँ पे गवर्नर के तौर पे मांग रहे कर रहे हैं केंद्र सरकार से, क्योंकि एक सख्त रवैये वाला व्यक्ति जो है वो आज कश्मीर के अंदर जो है गवर्नर के रूप में चाहिए। जिस प्रकार से जगमोहन ने कश्मीर के हालातों को खत्म करने की कोशिश की और उसका एक टेरर था आतंकवादियों के अंदर, एक दहशत थी उसकी, इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर जरूरत है। हम मनोज सिन्हा जी से कहना चाहते हैं, आप सेवानिवृत्त होके चुपचाप यूपी जाइए, आपके बस की नहीं है यहाँ पर आतंकवाद को समाप्त करना। यहाँ प्रेम से बातें नहीं बनेंगी, यहाँ गोली से बातें बनेंगी। अब पूरे देश का हिंदू जो है सड़कों के ऊपर है, कश्मीर से हिंदू पलायन करना शुरू कर गया है। 1990 वाले हालात फिर पैदा हो रहे हैं, लेकिन मैं हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर हिंदू पलायन कर रहा है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि पलायन ना किया जाए। ये आतंकवादी यही चाहते हैं कि हिंदू यहां से पलायन करे। मैं पूरे देश के हिंदुओं से आह्वान करना चाहता हूं कि हिंदू सभी कश्मीर की ओर बढ़े और उन हिंदुओं की दीवार बने, उन हिंदुओं का सहयोग करें जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हिंदू कश्मीर के अंदर घुसेगा तभी यह आतंकवाद जो है वो रुकेगा। और यहाँ पर सरकारों का सख्त रुख जो है अपनाना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार से ढीले रवैया रहे तो हिंदू मरता रहेगा, जो हम सहन नहीं करेंगे। पूरे देश के अंदर आज हिंदू रोषित है, आज पूरे देश के अंदर हिंदू चिल्ला रहे सड़कों के ऊपर